बाद एक पल ऐसा आता है जब घोषणा होती है कि इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। ऐसे में उन छात्रों की लिस्ट जारी की जाती है जिन छात्रों को सम्मानित किया जाना है, और एक नाम ऐसा आता है जिसने फेसबुक में पोस्ट डाली कि मैं इस सम्मान को नहीं लूंगा क्योंकि मौजूदा हालात सही नहीं है, या कहें तो जो कार्यप्रणाली है विश्वविद्यालय की वो सही नहीं है। ये नाम है ध्रुव हर्ष का, जो मुंबई में फिल्म डायरेक्शन का काम देखते हैं और कई शॉर्ट्स फिल्म के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब जब महज कुछ घंटे रह गए हैं दीक्षांत समारोह के, तो न्यू इंक आपको दिखाएगा इस ऑडियो के माध्यम से कि आखिर ध्रुव हर्ष ने क्यों मना किया सम्मान को लेने के लिए। आइए देखें। करने के लिए देखो, दरअसल हुआ ऐसा कि मुझे बिल्कुल मतलब पता भी नहीं था कॉन्वोकेशन के बारे में। मुझे इनसाइडर मतलब कहने का मतलब जूनियर्स, कुछ मेरे जूनियर्स है, मतलब मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ अपने अल्मा मैटर से, हॉस्टल में रहा हूँ, तो बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनसे कहीं उसमें से किसी एक जूनियर के मेरे पास कॉल आता है और वो बताता है कि कॉन्वोकेशन होने वाला है, आपका नाम है लिस्ट में, आपको डिग्री ऑनर की जाएगी जो कि कैलाश सत्यार्थी देने वाले हैं। कैलाश सत्यार्थी को मतलब कौन नहीं जानता है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़े गर्व की बात है। तो फिर ये हुआ कि मैंने उसने बताया कि मैंने कहा यार प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे क्या करना है। तो उसने बोला कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मतलब पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, फिर उसने जब कहा कि आप रजिस्टर्ड कर दीजिए, मैंने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद अच्छा कोई मेल नहीं आया, कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी दरअसल मुझे, और मैंने फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये हुआ कि कोई फिर भी कोई रिवर्ट नहीं आया। फिर दूसरे दिन पता चलता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन पता चलता है कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन उसने मुझे बताया कि वो कैलाश सत्यार्थी जी नहीं देंगे डिग्री, वो केवल जिनको मेडल मिला है उनको, और दो लोगों को कंफर्ट हुआ है डीएट, जिसमें कोई एक लीडर है और दूसरे डीजीपी यूपी है। तो फिर मैं बहुत आहत हुआ, मुझे लगा यार ये तो मतलब पहली बार, इतने मतलब 30 सालों में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। और उसके बाद मैंने अलग अलग डिस्टिंग अलग अलग फील्ड में काम किया है, मतलब सिनेमा में इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, इलाहाबाद में रहते हुए भी बहुत सारा काम किया है। तो मुझे लगा कि कम से कम सम्मान मिले तो यार मतलब किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों मिलेगा तो मैं भी थोड़ा सा गौरवान्वित होऊंगा। तो ये एक विषय था, मतलब बाद में लगा रिवर्ट नहीं आया कुछ, कोई बात किसी ने बात नहीं की, कोई सूचना नहीं मिली, तो मैं थोड़ा सा आहत हुआ। और मैंने एक दिन मतलब रात में ही मैंने एक ऐसे फेसबुक पोस्ट लिखी, और दूसरे दिन मैं देखा कि लोग काफी उससे बात कर रहे हैं। पोस्ट की लिखने के बाद सर आपसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कांटेक्ट किया गया, कोई संवाद हुआ आपके बीच? तात्कालिक मतलब तुरंत जो ऐसा कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, कुछ हमें लग रहा है कि जब थोड़ा सा मामला टूल पकड़ा, पेपरबाजी हुई थोड़ी सी, और कुछ और लोगों ने शेयर करना शुरू किया, चर्चा हुई, मतलब कैंपस में पता ही चला होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको पता चला होगा कि कुछ ऐसा किया जा रहा है, किसी ने पूछी थी। तो फिर वहाँ के जो पीआरओ है उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया और बोला ये आप ऐसा मत करिए, मतलब आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो हालांकि उससे कोई मतलब आपको गलत फहमी है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है, कैलाश सत्यार्थी जी डिग्री केवल मेडल जिनको मिला है और जिनको कंफर्ट हुआ उनको देंगे, वो आप मतलब डॉक्टरेट जिनको मिला है डीफिल उनको वो नहीं देंगे, उनको कोई भी दे सकता है, मतलब शायद जो है वीसी देंगे इस तरीके से। तो मैंने कहा सर मैंने तो अनाउंस कर दिया, मतलब मैंने घोषणा भी कर दी है, क्योंकि मैं बहुत आहत हुआ, अभी तो कोई बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इतनी चर्चा होगी इसलिए शायद आपने मुझे कॉल किया, आप मुझे बात करना चाहते हैं। क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था, कुछ पत्रकार कुछ जो है जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई थी, जिन्होंने शायद जिनका नंबर वो होता है ना कि एक कंफर्म करने के लिए लोग पीआरओ को भी कांटेक्ट करते हैं कि कहाँ तक क्या सही है क्या गलत है, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया पीआरओ ने वहां से किसी एनवीटी या कहीं से, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर मेरी बात हुई। जो मैंने बात की उसको बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से उन्होंने अखबार को बताया, जो कि असल में हकीकत नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी काम से मुंबई में हूँ, हाँ मैं मुंबई में हूँ, दरअसल मैं यहाँ पे अभी प्री प्रोडक्शन चल रहा है मेरे फीचर फिल्म का, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जरूर यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं कॉन्वोकेशन में बहुत इंटरेस्टेड था, मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं आऊँ और अपने अल्मा मैटर में आके मैं अपना डॉक्टरेट लूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात होती।
जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक छात्र को मेडल और डॉक्टरेट की डिग्री को कैलाश सत्यार्थी जी स्वयं देंगे। ऐसा नहीं था पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये शायद इतनी बयानबाजी मीडिया ने इतना लिखा और शायद मेरे पोस्ट लिखने के बाद जो एक अंदर जो पूरी उनको समझ में आया होगा, जो भी उनको लगा होगा, उसके बाद से निर्णय लिया गया। ये पहले नहीं था, बिल्कुल पीआरओ ने इसको क्लियर किया था मुझे कि कैलाश सत्यार्थी जी डॉक्टरेट जिनको मिला है उनको, जिनको जिन्होंने पीएचडी करी है या डीफिल, मतलब कहने का मतलब हाँ यूनिवर्सिटी डीफिल देती है जैसा कि ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट को इसीलिए कहा जाता है, तो ये नहीं था ऐसा, ये बाद में उन्होंने शामिल किया शायद। विश्वविद्यालय की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं सर, उसे आप फिल्म जगत देशी आर्थिक राजधानी से देखते हैं तो कैसा नजर आता है वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय? बहुत खूबसूरत, मतलब मैं तो मतलब बहुत देखा, मिकल कॉर्ड की तरह मैं कनेक्टेड हूँ। हॉलैंड हॉस्टल में रहता था कैंपस में, बमुश्किल ही मैंने मास्टर जब किया, बमुश्किल ही मैंने कोई क्लास ड्रॉप करी होगी, आज ही कोई मेरी अटेंडेंस जाके चेक कर सकता है। और डीफिल में भी बहुत एक्टिव रहा, बहुत सारा काम किया, मतलब बहुत एक तरीके से बहुत सारे क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा। मैंने चार नाटक लिखे उस समय और कविताएं लिखी, मतलब बहुत हर तरीके से बहुत चाहता था यार शिक्षकों का, कोई भी जाके अंग्रेजी विभाग में किसी भी टीचर से पूछा, अभी मतलब ये लिखने के बाद तो शायद लोगों के अंदर जो भी आया हो, अभी मुझे पता नहीं मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन उसके पहले तक तो बहुत अच्छा इंप्रेशन था, मतलब हर किसी का मैं चाहता था। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, लगातार रैंकिंग का गिरना और विश्वविद्यालय का ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। और इसको ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगा, चूंकि अभी चाहे हॉस्टल का मसला हो या चाहे जिसकी की एक सिम्बाइसिस की कमी कहीं ना कहीं, अभी डायलॉग नहीं करता मुझे समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन से लोग बात नहीं करते, बहुत उखड़ जाते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वाइस चांसलर हो, तो ये एक मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसको हम ट्रेजेडी कहेंगे, मतलब किसी भी ऐसे संस्थान के लिए जो कि जिसका एक नाम रहा हो एक जमाने में, मतलब कहने का मतलब जितने लीजेंडरीज, मतलब चाहे राइटर्स हो, पोएट्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो बड़े बड़े या लीडर्स हो, मतलब पांच पांच जो है प्राइम मिनिस्टर, दो दो प्रेसिडेंट, और कहने का मतलब इतनी उसकी लेगेसी इतनी, मतलब आप देख के किसी भी यूनिवर्सिटी की आप उठा के आप नोटेबल एल्यूमिनाई आप चेक कर लीजिए हिंदुस्तान में, हमें नहीं लगता कि इतनी रिच एल्यूमिनाई कहीं और की किसी और विश्वविद्यालय की होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब गिरावट आई यार, 200 के बाहर है ये, इनके आने से पहले जो भी वाइस चांसलर है इनके आने से पहले तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, हमें लगता है टॉप 5 पे टॉप 50 में रही होगी। तो जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय टॉप 20 या 25 में रही होगी, तो मतलब दिन ब दिन बहुत गिरता जा रहा है, जिसकी वजह हमें लगता है कि यही मतलब मौजूदा भी भाई, क्योंकि अब कुछ भी होगा अभी जो मौजूदा सरकार है, सरकार को दोष देते हैं, तो इसी तरीके से हमें लगता है जो वाइस चांसलर हम उसी को दोष देंगे, उसी की गलती है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ की वजह से रैंकिंग गिरी है, पठन पाठन का माहौल पूरा एक जो क्राइटेरिया है विश्वविद्यालय में निगेटिविटी का, वो छात्र संघ के मत्थे मर दिया गया है, इससे आप कितना सहमत या असहमत होते हैं? बिल्कुल मैं असहमत हूँ यार इससे, मतलब कहने का मतलब हमारे टाइम में ही दो तीन जो है जो प्रेसिडेंट बने वो रिसर्च स्कॉलर हैं, चाहे वो ऋचा हो चाहे रोहित हो, मतलब सारे हो, उसके पहले भी मतलब सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो कुछ ऐसा क्लॉटिक माहौल बना रहे हैं कैंपस में, मतलब पठन पाठन में तो नहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई है। हाँ चुनाव जब रहता है उस समय थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत रहती है, उसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि आप समझो मतलब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन तो मतलब बहुत पहले से आजादी के बाद से ही हमें लगता है कि सब बहुत एक्टिव थे, उसके पहले भी एक्टिव थे, चाहे वो शहीद पद्मधर हो या अभी आज के लिए ऐसी हो, थोड़ी बहुत चीजें जाहिर सी बात है गूंज भी, मसल विंग मतलब थोड़ा सपोर्ट में भी और बहुत सारा उससे, उसका मैं मतलब समर्थन नहीं करता जिस किस्म से कैंपेनिंग और कैनवासिंग होती है, लेकिन हमारे लीडर्स अच्छे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए, अभी जो भी हैं वो तो मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता, वो तो हमेशा उनको लाठी मार के यार आप किनारे कर देते हो, आप हमेशा पूरी जो है मिलिट्री और पीएससी वहां पे टिकी रहती है, तो आप तो अभी हॉस्टल में आप रेट डालते हो, आपने कितना कितना बच्चों का लैपटॉप तोड़ा, मोबाइल तोड़ा, मतलब बहुत आप नुकसान करते हो यार छात्र संघ। तो हमें नहीं लगता कि छात्र संघ तो मतलब बेहतरी के लिए है वो, हमें कहीं से भी, हमें तो मतलब हर किसी ने जो है बात किया और सबने सपोर्ट किया, मतलब कोई ऐसी बैकिंग नहीं मिली हमें उनसे कि
मतलब आप डरिए मत, आपको मतलब किसी ने मुझे बरगलाया नहीं। हालांकि मैंने सुना कुछ हमारे जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसा कह रहे थे कि दुर्ग को बरगलाया गया, जबकि ऐसा नहीं है यार। हर बाहर चाहे वो एबीवीपी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि लोग यूनाइट हुए, चाहे वो एबीवीपी का कोई जो है नेता हो, छात्र नेता हो, या समाजवादी पार्टी का हो, उनके विंग का, कल्चरल विंग का नेता हो, या पहले सीवाई का हो, या सीपीआईएम या एसएफआई का हो, मतलब सबने सपोर्ट किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब कुछ तो गलत है यार। मतलब वाइस चांसलर से कोई खुश नहीं है, हमारे कहने का मतलब है। हमारे दौर में राजन अच्छे हुआ करते थे, उस समय मतलब वो अच्छे स्कॉलर थे, वो डायलॉग करते थे, वो जहाँ क्लाका और फूको पे उनको वो घंटों बोल सकते थे। हमें इनके अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं समझ में आती, वो स्पार्क नहीं दिखता जो एक वाइस चांसलर के अंदर होना चाहिए। छात्र नेताओं का आरोप रहता है कि विश्वविद्यालय सवाल उठाने पर निलंबित करता है, निष्कासित बिल्कुल करता है। बिल्कुल, बहुत सारे छात्र जो है निलंबित हैं, जो कि बहुत काबिल थे, बड़ी अच्छी पोस्ट लिखते हैं। हो सकता है कि वो अपने उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो, बहुत वो खुल के बोलते हो, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं नहीं कहूंगा, पर फिर भी मैं उनको बोलता भी बताता भी रहता हूँ जिनसे मेरी बात होती है, यार मतलब अब शब्द कुछ ऐसा ना बोलो। वो नहीं बोलते, और वो सब अच्छे जो है, मैं कहूंगा वो सब अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनको निलंबित किया गया, चाहे वो नीरज हो या और भी जो बच्चे हों, सब काबिल लोग हैं यार। हमें जो है कुछ है, मतलब जिनको बैकिंग मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज से, और वो आके इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत वो क्योस भी क्रिएट करते हैं, वो बड़ा काफिला लेके आते हैं, उनसे मुझे दिक्कत है। पोस्टर्स लगाते हैं फर्जी का जो है, इतना पैसा जाया करते हैं, उनसे मुझे दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ का जो है इस किस्म की यूनिटी स्टूडेंट लीडर्स में हमारी यूनिवर्सिटी में है, वैसा कहीं नहीं है, ना जेएनयू में है, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ना ही प्रेसिडेंसी या जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो मतलब ऐसे नहीं, बहुत मेहनत करके हम लोग स्कॉलर्स बनते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद थीसिस लिखते हैं, मतलब 300-400 पन्ने की, तो बड़ी बड़े मेहनत का और बहुत दिमाग पकाऊ किस्म की चीज है वो। फिर भी मैं कहूंगा मैंने स्टैंड इसलिए लिया, कल को कोई बच्चा, मतलब मेरे बाद भी कोई बच्चा खड़ा होकर बोल सके, वो किसी को चैलेंज कर सके, वो एक मतलब लोग डरते हैं प्रोफेसर से, अपने सुपरवाइजर से लोग बात नहीं कर पाते, वो डरते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर स्कॉलर हैं तो आप बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत लिबरेटेड सोल है, मतलब जो आपके पास विजडम है वो बहुत अनूठी है, बहुत आप बहुत कीमती है, तो आपका जो कीमत है, आपका जो वैल्यू है, असल में उसको यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए यार, एक्नॉलेज करना चाहिए, जो नहीं कर रही है असल में। मतलब सारी चीजों को जो है राजनीति के बनिस्बत जो है देखा जा रहा है सब कुछ, पूरा मुद्दा, मतलब अगर कॉन्वोकेशन भी किया जा रहा है उसमें भी पॉलिटिक्स है। आप किसी को जो है कंफर्ट हुई है डिग्री, वो कोई पॉलिटिकल लीडर है तो दूसरा ब्यूरोक्रेट है, मतलब वो अधिकारी है इतना बड़ा, जिससे शायद आपको बैकिंग चाहिए होगी, पर एक स्कॉलर को किसी की बैकिंग की जरूरत नहीं है अगर उसके अंदर काबिलियत है। ये सब देखते हुए भी मैं थोड़ा सा बहुत मतलब नाखुश भी था, और मुझे लगा ये रिनाउंस करना यार कहीं ना कहीं गट चलो मेरे त्याग से जो मैंने किया उससे, अगर सब यूनाइट हो जाएं सारे स्कॉलर्स पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे हैं, वो यूनाइट हो जाएं, यूनाइट होकर कम से कम अपनी बात रखें। और इनको अपना कीमती समय देने के लिए सर धन्यवाद। शुक्रिया यार।